जी हाँ, नमस्कार साथियों। एक और बड़ी खबर बाड़मेर जिले से मिल रही है रीट परीक्षा को लेकर। तो दोस्तों आपको बता दें कि रीट परीक्षा को लेकर बाड़मेर जिले में भी बड़ी धांधली का आरोप सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि रीट परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थियों का गिरोह पकड़ा गया, बड़ा मामला सामने आया है। जोधपुर में बाड़मेर के दो सरकारी शिक्षक सहित चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4.5 लाख रुपये कैश बरामद किए गए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि बड़ा मामला यहाँ से सामने आता है कि बाड़मेर SP आनंद शर्मा ने बताया कि पुलिस की टीम हर थाना क्षेत्र में एक्टिव थी। संदिग्ध लोगों को लिस्टेड किया गया, उन पर नजर रखी गई। लगातार नकल गिरोह के लोगों की गिरफ्तारी और धरपड़ के डर से दो संदिग्ध लोग जो नकल करवाने डमी अभ्यर्थी बिठाने की तैयारी कर रहे थे। इसी के चलते आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि 12 डमी अभ्यर्थी के परीक्षा में बैठने की सूचना मिली। पुलिस आयुक्त जोधपुर, जयपुर, अजमेर, पुलिस सीकर, जोधपुर, ग्रामीणों को भी दे दी गई है। वहीं बाड़मेर SP आनंद शर्मा ने बताया कि मास्टरमाइंड 9 लाख लेकर अभ्यर्थी की जगह खुद देने वाला था परीक्षा। गिरोह का मास्टरमाइंड भंवरलाल विश्नोई बाड़मेर में सरकारी स्कूल का अध्यापक है। उसने नियुक्त के 5 साल तक नौकरी की, फिर पिछले 3 साल से गैर हाजिरी था। 2 साल पहले हुए मानाजी का हत्या स्थित मीरा गुरुकुल कोचिंग संस्थान से जुड़ा और उसका संचालन करने लगा। उसी ने सांचौर के परीक्षार्थी रमेश कुमार के स्थान पर खुद ही परीक्षा देने की योजना बनाई। रमेश कुमार की जगह खुद की फोटो ID पर लगा ली। वहीं परीक्षार्थी रावताराम के स्थान पर भी किसी डम्मी अभ्यर्थी को बिठाना जाना। उसने 5-5 लाख के 2 चेक लिए, रमेश कुमार से 9 लाख में सौदा किया, लेकिन पहले 4.5 लाख रुपये नकद लिए। फिर इसके बाद पुलिस जाब्ता तैनातगीर भंवरलाल फर्जीवाड़े की पूरी खुलासा हुआ। इसी के चलते भंवरलाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।